हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है सरोज नगर हॉल के बारे में। तो सरोज नगर मार्केट मेरी फेवरेट मार्केट है, क्योंकि ये ना लड़कियों के लिए एक वरदान की तरह है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आपको पर्स लेना हो, शूज लेने हो, ज्वेलरी लेनी हो या ड्रेस लेनी हो, यहाँ आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, वो भी सस्ते दामों में। बस डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी है और आप ड्रेस के बारे में ना श्योर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल रूम तो होते नहीं है। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या खरीदा है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो मैंने ड्रेस ली है वो है ये सीक्वेंस वाली ड्रेस, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें यहाँ पे ये आपको स्ट्राइप्स मिल जाएंगी, जो मोटी स्ट्राइप्स है काफी, और इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे। तो इसमें एक पिंक कलर था, रोज पिंक कलर, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था और मतलब मैं वही लेना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा मेरे पे लूज था। वैसे तो ये भी मेरे पे लूज है, लेकिन ये इतना ज्यादा लूज नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ मुझे मिला है आई थिंक बहुत ज्यादा बार्गेन करने के बाद, ये मुझे 275 में मिला है, क्योंकि भैया 300 से नीचे आ ही नहीं रहे थे और फाइनली मैंने 275 में उनको बोला तो ये मुझे मिल गया। वैसे ये ऑनलाइन तो आई थिंक महंगा ही मिल रहा है, तो या 275 में एसएन में ये मिल गया। तो नेक्स्ट जो आइटम है वो मैंने खरीदा है ये स्कर्ट एंड ये टॉप का पेयर। और ये जो स्कर्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, और ये जो टॉप है ये क्रॉप टॉप है, और ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। इस टॉप को आप जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो ये जो बिग सी से सीधे लाइन में आगे एक मंदिर पड़ता है, उसी के सीधे एक गली जाती है, जहाँ पे आपको सीक्वेंस वाले वर्क वाला बहुत सारे ड्रेस भी मिल जाते हैं, वहाँ पे डेकोर आइटम्स भी मिलते हैं। आई थिंक राइट साइड में डेकोर आइटम, लेफ्ट साइड में ये शॉप है। तो ये वहाँ पे आप जाके, इसमें एक और कलर था, इसमें ब्लू कलर था, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये खरीद लिया। तो नेक्स्ट जो मैंने खरीदा है वो भी है एक ड्रेस, जो कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये ना मैंने बहुत पहले ऑनलाइन किसी साइट पे देखी थी, मुझे याद नहीं है, तो अचानक से मेरी नजर इस पे गई और मैंने देखा कि ये तो मुझे खरीदनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये मैंने खरीदी थी 250 रुपये में, और जहाँ से मैंने ये खरीदी है वहीं से मैंने एक ये टॉप खरीदा है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये टॉप भैया ने मुझे 100 का दिया और ये ड्रेस 250 की, तो ये दोनों मुझे 350 रुपये के पड़े। तो अब जो मैं आपको चार आइटम दिखाने वाली हूँ वो मैंने एक ही स्टॉल से खरीदे, वो जो भैया बैठते हैं ना 50, 80 और 100 के स्टॉल लगा के, उन्हीं में से 100 वाले स्टॉल में से मैंने चार आइटम खरीदे हैं। और उनमें से पहला है ये टॉप जो प्रिंटेड है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था तो इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रही थी, पर मुझे इसके साइज का डाउट था कि कहीं ये मेरे पे लूज ना हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 100 का ही है और फिर अगर मेरे पे नहीं आएगा तो मेरी भाभी या मेरी सिस्टर में से कोई भी पहन लेगा, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। नेक्स्ट जो मैंने उसी स्टॉल से खरीदी ये शर्ट खरीदी है, और इस शर्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट मैंने एक ड्रेस खरीदी है जो उसी 100 वाले स्टॉल से खरीदी है, और वो कुछ इस तरीके की दिखती है। और ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, आई थिंक मीशो में देखी थी, जो कि जिसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट था, मतलब कुछ ऐसे में था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, और वो नी तक थी, लेकिन ये नी से नीचे है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। लास्ट आइटम मैंने उस स्टॉल से लिया वो है ये हाफ जैकेट, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था तो मेरी नजर तो इससे हट ही नहीं रही थी। मैं डाउट में थी कि इसे लूं कि ना लूं, मैं इसे कहाँ पहनूंगी, कब पहनूंगी, लेकिन ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था कि ये मैंने ले लिया। तो जो नेक्स्ट है वो है ये टॉप, जो मैंने 100 रुपीज में लिया, इसमें 80 रुपीज में भी मिल रहे थे लेकिन वो वुलन वाले थे और कुछ हाफ स्लीव्स के थे, लेकिन मुझे ये वाले ज्यादा पसंद आए तो मैंने इसमें दो टॉप लिए, एक ये और एक ये ब्लू वाला। ये दोनों ही टॉप बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसका फिट भी मुझे बहुत अच्छा आ रहा है तो इसलिए मैंने ये ले लिए।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ड्रेसेस टॉप पसंद आए हो। मैंने वहां से बहुत सारी इयर रिंग्स भी खरीदी है जो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।